हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष निगम शिफ्ट क्राफ्ट से। आज हम लोग बनाएंगे इस रोल की मदद से मूढ़ा यानी स्टूल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, हमको इसके लिए थोड़े से कपड़े चाहिए या रुई भी ले सकते हैं आपके पास हो तो। वैसे कपड़ा बहुत सही रहेगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा उससे। कुछ कपड़ा लीजिए, उसको सही से एडजस्ट करिए इसमें सही से। पहले कपड़े को भी एडजस्ट कर दीजिए कि आपका कपड़ा बैठने पर ख़राब ना लगे, मतलब गड़े ना, कुछ ना हो। एकदम सिंपल सही से रख दीजिए, सही से ढा के कैदे से बना के उसको रख दीजिए। जब भी हो जाए सही से तो उसको रोल पर रखिए और रोल पे एडजस्ट कर दीजिए पूरे गोल करके। जब तक ये गोल ना हो जाए तब तक इसको एडजस्ट करते रहिए। और जब ये एडजस्ट हो जाए तो देखिए, जब जैसे कि एडजस्ट हो रहा है पूरे तरीके से और हो जाए तो फिर आप इसको कवरिंग करेंगे। देखिए, जैसे ये कवर है मेरे पास, इस कवर को थोड़ा सा मेरा थोड़ा बड़ा है तो उसको मैं हल्का सा खोल लूँगा। देखिए, एक साइड से खोल के मैं चढ़ाऊँगा। इस पर आप चादर भी चढ़ा सकते हो डायरेक्ट, सीधा सीधा एक छोटा सा चादर लेके। ख़राब चादर हो वो भी सही लगेगा, अच्छा देखने में हो बस। वैसे पुराने हो जाते हैं चादर, उस चादर को भी आप लगा सकते हो, तो आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, आप घर में कहीं से भी कोई भी चीज़ लेके आप बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप ये आपको स्टूल बनाने के लिए कहीं पर भी मिल जाएगा। ये मूढ़ा जो बना रहा हूँ मैं, ये आप भी जानते हो कि रोल से बन रहा है, तो रोल आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में मिल जाता है। रोल्स जिनके यहाँ पास वायर ख़त्म होते हैं उससे मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो कबाड़ी शॉप में मिल जाएगा। इसके अलावा ये देखिए, मैंने अब मैं डोर बांध रहा हूँ इस पर, इसलिए शेप आ जाएगा ढंग से। पहले कवर चढ़ा ही चुका हूँ, इस पर शेप देने के लिए डोरी से बांध रहा हूँ। सिंपल है एकदम, और कुछ नहीं करना आपको। गोल कर दिए चादर को। देखिए, मैंने बांध दिया, स्टार्ट किया है, बांधना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, मैंने बांधना स्टार्ट करा है स्टार्ट। ये देखिए, बंध गया कैदे से। अब इसको शेप देना है। देखिए, अभी भी शेप नहीं आ रहा है, तो उसको मैं खोल दूंगा। जब तक शेप नहीं सही आएगा तब तक ये अब ये बना नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और जब अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप कहोगे यार क्या सिखाया, बेकार है। तो इसको आप कंपलसरी समझ लीजिए इस चीज़ को, एकदम कैदे से आपको बैठना चाहिए शेप, ठीक है। अब इसके नीचे साइड में पोर्शन को भी हमको सही करना है। तो पहले तो हमारे पास कपड़ा कम है, तो इसलिए मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई भी कपड़ा है तो अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता आप लोग इतने ना समझो कि अपना कर पाओ। तो इसमें अब नीचे से कपड़ा भी लगाया जाएगा। और ये देखिए, इसको देखिए डिज़ाइन देने के लिए नीचे से कपड़ा लगाया गया कि नीचे से भी छुप जाए प्लास्टिक। और ये देखिए, मैंने प्लास्टिक पूरी नीचे से लगाई है। ये इसको कवर कर देंगे, इसको कवर को पूरा पूरा प्लास्टिक पूरी कवर हो जाएगी। और ये जैसे कवर होगी, देखिए आप इसमें स्टाइल थोड़ा सा दिख जाएगा। और ये देखिए, स्टाइल आने लगा इसमें, थोड़ा सा लुक चेंज हो गया इसका। अगर आप लोगों को यह चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में पूछें, मैं आपको बताऊंगा पूरा पूरा सही से। और दूसरी चीज़, मेरी तरफ से एक माफ़ी भी है कि मैं आपके लिए वीडियो लेट ला रहा हूँ इस समय, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। ये देखिए, मैं बांध चुका हूँ, बस इसको ढंग से सेट करना ज़रूरी, नहीं सेट होगा तो मज़ा नहीं आएगी देखने में। अब से कोशिश करूँगा टाइम से आपके पास वीडियोस आए। और ये देखिए, मैं इसको बांध चुका हूँ ढंग से, बस इसको थोड़ा सा और सेट करना है। जब तक ये सेट नहीं होगा तब तक ये बेकार है। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, बन चुका है मेरा ये। अब देखिए, मैं इस पर बैठ के दिखाऊंगा आपको कि आपको कैसा लग रहा है। देखिए, अब ख़राब लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और प्लीज़ बेल आइकन को भी ऑन रखें। ये देखिए, कंप्लीट हो चुका है मेरा काम। और आपको कैसा लगा मेरा काम प्लीज़ कमेंट में बताएं, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। ओके, बाय बाय।